जय श्री राम, राधे राधे गाइस। तो फाइनली हम लोग न्यू ब्लॉग लेके आ चुके हैं, न्यू फेस ब्लॉग लेके गाइस। तो आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग खाना पकाएंगे। और गाइस देख ही सकते हैं कि सारा का सारा हम लोग सब्जी कूट चुके हैं, यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुके हैं। और गाइस आज तो मज़ा आ जाएगा गाइस, आज हम लोग खाना पकाएंगे। तो गाइस देख ही सकते हैं कि अभी चावल हो चुका है और अभी जो कि सब्जी बन रहा है कढ़ाई पे है। तो गाइस हम लोग अच्छे से इसको भाजेंगे, भाजने के बाद हम लोग इसके अंदर मसाला देंगे, मसाला देने के बाद हम लोग इसको अंदर पानी देंगे। तो गाइस लोग अच्छे से हमको भाजना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से भाजने से टेस्टी होता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए जो कि हम लोग इसको अच्छे से भाजेंगे। और गाइस देखना, गाइस इतना लाल लाल हो जाने के बाद हम लोग इसके अंदर मसाला डाल देंगे। तो गाइस फाइनली जो कि हम लोग बहुत ही जो कि आध घंटे से नहीं गाइस 10 मिनट्स आपको लाना है, पर जब लाल लाल हो जाने के बाद हम लोग दे दिया। देख सकते हैं मसाला देने के बाद पानी दे चुके हैं, देख सकते हैं लाल लाल होने के बाद हम लोग किंतु मसाला और पानी दिए हैं, क्योंकि लाल लाल होने के बाद मसाला और पानी देंगे तो बहुत ही स्वाद आएगा और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो अब फाइनली दूध भी गर्म हो चुका था। और गाइस क्या ही बताए गाइस, तो आज तो सुबह में मैंने खाना पकाने का स्टार्ट कर दिया था और दुकान में मामा जी बैठे थे और गाइस कुछ खाया, इसलिए जो कि हम लोग गंचों से मुख मुछ लिया। गाइस तो ऊपर आया तो देखा कि बहुत ही धूप है और गाइस देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा धूप है। गाइस इतना ज़्यादा धूप है, क्या बताएं आप लोग, आप लोगों को गाइस देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा धूप है ऊपर। तो गाइस मैं सोचा चलो अभी बाहर जाके देखते हैं क्या हाल चाल। तो गाइस आज है हल्का था, इसलिए जो कि देख ही सकते हैं बहुत सारा लोग आए हैं। और गाइस यहाँ पर जो कि सारा का सारा दुकान को सजाया गया है, क्योंकि आज है पोला वैशाख गाइस हमारा यहाँ पर ये मनाया जाता है, और जो कि महीने का जो कि मास का पहला दिन होता है साल का। यहाँ पर सब लोग खेल रहा है। और गाइस मैं अभी चलता हूँ घर की तरफ और देखते हैं घर पे क्या हाल चाल। तो गाइस फाइनली चलते हैं देखते हैं। और गाइस आज तो मिचेल आया था, इसलिए कि हम लोग मिचेल पे गया था। और गाइस देख सकते हैं कि हमारा भाई लोग इतने से अच्छे से जय श्री राम का फकरा उड़ा रहा है गाइस। तो सब लोग कमेंट पे जय श्री राम बोला, जय श्री राम गाइस, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर पुलिस भी है गाइस, और बहुत सारा लोग भी आया था। और गाइस देख सकते हैं फकरा उड़ा है गाइस, आज राम का फकरा उड़ा है गाइस, क्या ही बताए। तो गाइस देख सकते हैं हमारा सूरज भैया अभी तो फर्रा उड़ा रहा है एकदम मजे से गाइस, क्या ही बताए। तो इतना ज़्यादा लुक है गाइस, काफ़ी हुआ है तो हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग पीछे पे था और गाइस क्या बताए, इसलिए जो हम लोग शूट नहीं कर पाए। और गाइस यहाँ पर सूरज भैया अच्छे से कितना एकदम फर्रा उड़ा रहा है गाइस, क्या ही मजा है गाइस, मज़ा आ गया आज तो। तो गाइस देख सकते हैं सबके सब एकदम जय श्री राम करने के बाद गाइस फाइनली मैं चूँकि साइकिल लेके अभी जा रहा हूँ घर पर, और अभी जाएंगे हम लोग जोगता है जो कि वो घर मामा घर से हम लोग अभी मेरा घर जाएंगे, मेरे पापा के घर जाएंगे गाइस। चलते हैं तो रास्ते पे कुछ आप लोगों को दिखाएं। और गाइस हम लोग बहुत सारा सामान भी ले लिया है साइकिल पे, और अभी फाइनली जो है लोग गाइस देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं घर पे। और अभी मेरे मम्मी ने आज खाना पका रहा था और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जब सब्जी बन रहा है, और मेरे जो कि गैस ख़त्म हो गया, इसलिए जो कि चूल्हे से हम लोग खाना पका रहे हैं मेरे मम्मी। और गाइस देख सकते हैं हमारा आम भाजा और छुट्टी भाजा यहाँ पर कल्ला भाजा गाइस देख सकते हैं सब के सब इधर रेडी है। और गाइस अभी मम्मी तो आज खाना पकाएंगे, और यहाँ पर पापा जी अभी पत्ता कट रहा है, देख सकते हैं पापा अभी पत्ता कट रहा है। और जो कि हम लोग ऐसे गुजारा करते हैं, तो गाइस क्या ही बताए। तो आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा छत के ऊपर पेड़ के छोटे छोटे आम निकल आए हैं, इतना बड़ा बड़ा आम हो चुका है, आप लोग को देखते हैं दिखाते हैं तो क्या है हाल चाल। तो गाइस फाइनली मैं छत के ऊपर आया और देखा गाइस जो कि आम कितना बड़ा हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं इतना ज़्यादा धूप है, और गाइस छत पर आने के बाद मेरा तो क्या ही बताया गाइस, इतना गर्मी लाते हैं। पर देख सकते हैं आम भी निकल आ चुके हैं, इतना बड़ा बड़ा आम हो चुका है गाइस। तो ये जब पकेगा गाइस बहुत ही बड़ा से होगा तब पकेगा गाइस, तो और दिखने में खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप जो कि आम का नाम है पटल, तो क्या ही बताया गाइस हम लोग को नहीं मालूम, तो गाइस पटल का नाम बोलता है ये। तो मैं डाल पकड़ा और गाइस आप लोग को दिखाने का कोशिश करता हूँ। और गाइस धूप ज़्यादा है, इसलिए गर्मी भी बहुत लग रहा था और धूप का छट्टा भी लग रहा था मेरे चौक में। और गाइस क्या ही बताए, तो आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। और यहाँ पर देख ही सकते हैं पाइप है गाइस, जो कि पाइप यहाँ से पानी निकलता है गाइस, देख ही सकते हैं आप लोग। और गाइस यहाँ पर नीचे से देखो गाइस कितना दूर लग रहा था, और यहाँ गाइस देखा पर छोटा कितना पतला गाछ गाइस, फिर भी आम निकल आए हैं हमारे जो कि गाछ पे गाइस। तो दूसरा गाछ था वो तो काटना पड़ा जो कि सीढ़ी के लिए, और अब फिर से गाछ था एक वहाँ पर बिजली गिर गया था इसलिए मर गया था। तो गाइस मैं चलो अभी नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइस फाइनली मैं नीचे पर आ रहा था आ रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं रास्ता है, इधर भी रास्ता है गाइस, क्योंकि यहाँ से हम लोग चला फिरा नहीं करते हैं।
क्योंकि हम लोग के सामने गेट लगाया है और ये बंद है। तो गाइस हम लोग फाइनली देख सकते हैं जो कि हम लोग अभी घर पे हैं। तो गाइस खाना तो बन चुका है और मम्मी ने बना दिया है अच्छे से खाना। यहाँ पर पानी है, छुट्टी है और यहाँ पर देख सकते हैं चावल और यहाँ पर जो कि क्या बताए पुई का साग और सुद्दो और गाइस क्या बताए गाइस। तो चलो खाते हैं मज़े से और चलो खाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग स्नान धान करने के बाद हम लोग खाना स्टार्ट कर दिए हैं और गाइस स्नान करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो गाइस फाइनली हम लोग खाना भी खा ले है और अभी हम लोग निकल पड़ेंगे वो घर जो कि मम्मी जो हम लोग आ रहे हैं जो कि हम लोग जाएंगे भाई मामा के घर, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर आएगा दुकान पे मार्केट पे। तो यहाँ पर कब देखिए गाइस एक रास्ते में गाड़ी मिला तो गाइस उसको भी तुला ले क्योंकि कब मेरा टाइम भी आएगा मैं भी गाड़ी खरीदूँगा और गाइस आप लोगों का सपोर्ट की वजह से हम लोग भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते कुत्ता भी जा रहा है और जो कि बकरी भी जा रहा है गाइस एक ही लाइन से। और गाइस फाइनली आज तो मज़ा आ गया गाइस और मिचिल भी गया था और गाइस आज तो मज़ा आ गया गाइस सच में यार गाइस मज़ा आ गया। तो मैं फाइनली चलो सामने की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हाल चाल। तो यहाँ पर बच्चे बैठे रहते हैं वो लोग क्या है हाल चाल भाई कैसे हो। तो मैं चलो चलते हैं। और गाइस फाइनली मैं जामा और सूट भी ले लिया क्योंकि सामने है मेला और मेले में तो हम लोग पहन के जाएंगे इसलिए जो कि हम लोग फाइनली ले चुके हैं। और अभी हम लोग फाइनली आ चुके हैं और अभी हम लोग घर जा रहे हैं जो कि मामा के घर। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग दुकान आ चुके हैं और गाइस यहाँ पर सारे के सारे सब लोग गेम खेल रहा है और बहुत सारा मटका भी है गाइस सेल करना पड़ेगा और हम लोग तो यही करके तो गुजारा करते हैं ना गाइस। तो गाइस देख सकते हैं रास्ता भी एकदम एक कोई भी नहीं है और दुकान पसंद भी बंद है। और गाइस फाइनली देखिए दुकान भी खुल चुके हैं और यहाँ पर मटका भी है। तो गाइस मैं सोचा चलो अभी घूम के आते हैं बाहर से। फाइनली आ चुका था गंगा के धार और गाइस यहाँ पर नज़ारा देखो यार कितना अच्छा नज़ारा है। और गाइस यहाँ पर सबके सब लोग पैसे आते हैं यहाँ पर बैठते हैं और हवा खाते हैं गाइस यहाँ पर आके तो बहुत ही मज़ा आता है। और गाइस देख सकते हैं पानी एकदम सूख पानी थोड़ा थोड़ा है और गाइस जो कि सावन मास में पानी बढ़ जाता है और पानी एकदम रास्ते के ऊपर चला जाता है गाइस। तो रास्ते पर नहीं गए हैं तो गाइस एक बार आया था पानी और रास्ते पर चला गया था। तो गाइस जब बस सुबह सावन मास आता है तब बढ़ जाता है और पानी ऊपर चला जाता है। तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा गाइस देख ही सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है गाइस। और यहाँ पर आके तो आपका मन भर जाएगा यार कितना अच्छा जगह है। और गाइस यहाँ पर हवा भी बहुत अच्छा आता है आप लोगों का आने के बाद बहुत ही खुश होगा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फाइनली मैं अभी आ रहा हूँ गाइस देख सकते हैं ये स्कूल पीछे था स्कूल गाइस। और फाइनली ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब।